दोस्तों हम लोग वीर लोरी पत्थर से अब आगे की ओर आ चुके हैं मारकुंडी घाट में ही दोस्तों। और ये यहाँ सोन इको पॉइंट कुछ यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था इत्यादि किया गया है दोस्तों। तो अब आप लोग को वहीं चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों यहाँ क्या किस टाइप से है व्यवस्था। दोस्तों यहाँ टाइम पास के लिए बढ़िया बगीचा बनाया गया है, आप देख सकते हैं बैठने के लिए। यहाँ आप जब भी आएँ तो यहाँ आप रुकिए, टाइम पास कीजिए, अपना आराम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ बागवानी किया गया हुआ है, देख सकते हैं पेड़ पौधा लगाया गया है। और ये गणेश जी का विशाल प्रतिमा आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं। देवी देवताओं में सबसे जिनका पहले पूजा होता है गणेश जी का प्रतिमा है लगा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ बैठने के लिए शेड रोड बनाया गया है और बच्चों के खेलने के लिए झूला इत्यादि का भी व्यवस्था है। और यहाँ 10 रुपये का टिकट लगता था, जो कि आज यहाँ कोई भी टिकट लेने वाला शायद नहीं है, क्योंकि पूरा सुनसान पड़ा हुआ। नहीं तो पहले यहाँ समूह के लोग रहते थे जो कि 10 रुपये का टिकट लेते थे। और ये सोन इको पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और वहाँ कुछ कैंटीन जिससे कि आप खाने पीने का सामग्री ले सकते हैं। आइसक्रीम भी दिख रहा है दोस्तों, जैसा गर्मी का सीजन शुरू हो गया है दोस्तों। मारकुंडी घाट के ऊपर एक ऐसा जगह सोन इको पॉइंट, जहाँ से आप इस पहाड़ को एक घाट के नीचे का जो पूरा दृश्य है दोस्तों, ये देख सकते हैं पीछे का मेन रोड, वो आप पूरा यहाँ के ब्यूटी को आप निहार सकते हैं दोस्तों। अपने टाइम को आप अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं दोस्तों। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ रुके, यहाँ मौज मस्ती उठाएँ। और आप ये देख सकते हैं पीछे यहाँ का घुमावदार अजीब सा घाट मारकुंडी का। और अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।